नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। शनिवार की देर रात रामनगर में स्थित नए बाईपास पुल के समीप एक स्कॉर्पियो कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक में तीन युवक सवार थे। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों द्वारा बाइक सवार तीनों घायल युवकों को 108 की मदद से उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुँचाया गया और साथ ही घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं अस्पताल में घायलों का उपचार के बाद तीनों बाइक सवारों की हालत गंभीर होने के चलते चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना में घायल हुए मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी निवासी संजय कुमार वेदी की हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य दोनों घायलों का उपचार जारी है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में दुर्घटना में शामिल स्कॉर्पियो कार को कब्जे में ले लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। कल शाम बेलगढ़ और मंदिर के पास एक बाइक सवार, जिसको तीन लोग सवार थे और एक स्कॉर्पियो जो हल्द्वानी से आ रही थी, उनकी सामने भिड़ंत हो गई है, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस द्वारा 108 की मदद से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान घायल संजय कुमार बीजी की डेथ हो गई है। इस संबंध में दोनों वाहनों को कब्जे में दे दिया गया है और तैयारी के आधार पर उनको पंजीकृत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शनिवार की देर रात रामनगर में नए बाईपास पुल पर एक बाइक और एक स्कॉर्पियो गाड़ी की हुई जबरदस्त भिड़ंत में एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि शनिवार की देर रात तीन युवक बाइक से रामनगर की ओर आ रहे थे, इसी बीच उनकी भिड़ंत नए बाईपास पुल पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी से हो गई, जिसमें तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। घटना के संबंध में कोतवाल अरूप कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना में तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में इंदिरा कॉलोनी निवासी संजय वेदी नाम के युवक की उपचार के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी जुटाई जा रही है और परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।